हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आई नो बहुत सारे लोगों ने आईफोन 15 परचेज करा है, एंड उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईफोन को पहली बार परचेज करा है। तो पहली बार तो ऑब्वियसली किसी भी चीज को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती ही है, बट गाइस डोंट वरी, आज मैं इस वीडियो में आईफोन 15 की सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। अब इनफैक्ट जो लोग पहले से ऑलरेडी आईफोन को यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली iOS 17 में जो नए फीचर्स इंक्लूड हुए हैं उसके बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता। अब सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है इन मोबाइल सर्विस। इस पे टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है iCloud बैकअप का। अब इसमें बेसिकली ऐसा होगा, मतलब कि जब भी वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे iCloud के बैकअप के लिए मोबाइल डेटा को यूज करता है। अब ऑब्वियसली हर किसी के पास अनलिमिटेड डेटा नहीं होता है, एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा है दिस में कॉस्ट यू टू एक्सीड योर डेटा प्लान, मेक श्योर आप इसको टर्न ऑफ कर दें। इसका मतलब है अब जब ये वाईफाई अवेलेबल होगा iCloud का बैकअप तभी होगा, मोबाइल डेटा पर नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग में, विच इज नोटिफिकेशंस। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब कि आप नोटिफिकेशन किस तरीके से देखना चाहते हो, स्टैक, लिस्ट या फिर काउंट, अभी आपकी चॉइस है। बट इंपॉर्टेंट चीज तो ये है दैट आप किस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो या फिर ऑफ करना चाहते हो, यहाँ सब कर सकते हो। एंड आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि बिना बात के नोटिफिकेशन सेंड करती रहती हैं, एंड शायद कुछ लोगों को नहीं पता होता है उनके नोटिफिकेशंस कहाँ से बंद करें। आप सिंपली यहाँ पे आके उन सभी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हो। लाइक बहुत सारी गेम्स होती हैं, बैटल ग्राउंड, एंग्री बर्ड्स 2, कॉल ऑफ ड्यूटी, इनकी नोटिफिकेशन मैंने बंद कर रखी है। सो ऑफ करने के बाद बेसिकली जब भी हम फोन को यूज कर रहे होते हैं एकदम से पॉपअप या फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एंड इसी के नीचे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, गवर्नमेंट अलर्ट्स। सो आपने नोटिस करा होगा कोई ऐसा अलर्ट या फिर नोटिफिकेशन होता है जो कि गवर्नमेंट चाहती है सभी मोबाइल फोन्स पे मिल जाए। तो जब भी गवर्नमेंट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट को रिलीज करेगी, अगर ये वाला ऑप्शन ऑन है इसका मतलब आपका फोन अगर साइलेंट मोड पे भी है उसके बाद भी वहाँ पे जो अलर्ट है वो आपको सुनाई देगा। वैसे आई रिकमेंड आप इसको टर्न ऑन रखें, अच्छा ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की। एज यू कैन सी मेरा आईफोन 15 लेटेस्ट iOS पे अपडेटेड है। अब यहाँ पे बेसिकली होता है ऐसा, जब भी हम फोन को परचेज करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरनली सेटिंग होती हैं इन सभी चीज़ें टर्न ऑन होती हैं कुछ इस तरीके से। एंड अगर ये चीज़ें टर्न ऑन है इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में जो अपडेट है अपने आप ही डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। अब वैसे तो ये चीज़ कन्वीनियंस के लिए ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहते हो आपका फ़ोन अपने आप ही अपडेट हो जाए, बट मेरी राय में इसको टर्न ऑफ ही रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई ऐसी अपडेट है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, कुछ बग्स हैं फिर प्रॉब्लम्स हैं, बैटरी ड्रेन हो रही है। एंड अगर आपका फोन ऑलरेडी अच्छी स्टेट में चल रहा है फिर आप क्यों चाहेंगे आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आए। दैट्स वाई आई सजेस्ट आप यहाँ पे अपडेट का रिव्यू देख के उसको उसके बाद ही इंस्टॉल करें, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है। अब आप जनरल में एयर ड्रॉप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है, ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर, जो कि बेसिकली iOS 17 का फीचर है। जैसे हम दो आईफोन्स को एक दूसरे के पास लाते हैं देन इस तरह की कूल सी एनिमेशन आती है। अब वैसे तो ये फीचर बहुत अच्छा है, देखने में कूल भी लगता है, बट कई बार ऐसा होता है जब भी हम दो आईफोन्स को एक दूसरे के पास लाते हैं अननेसेसरली एनिमेशन आती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो यहाँ पे आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही। सो आई रिकमेंड आपको जब भी फ्रेंड्स, फैमिली, उनके सामने इसको यूज़ करना है इसको टर्न ऑन कर लीजिए, एंड वैसे इसको टर्न ऑफ ही रखिए। एज ए जब भी टर्न ऑन रहता है आपके फ़ोन की बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन होती है, एज ए NFC के थ्रू हमेशा डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी और आईफोन को। बाकी इस वाले फीचर को तो टर्न ऑन करके रख सकते हो। इसमें बेसिकली हुआ क्या, जैसे आप एयरड्रॉप को परफॉर्म कर रहे हो एंड वाईफाई कनेक्शन अगर हट गया है उसके बाद भी मोबाइल डेटा के थ्रू यहाँ पे जो एयरड्रॉप का पूरा ट्रांसफर है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, तो उसके बाद हमें जाना होगा डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में। यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो ब्राइटनेस का। अब डिफॉल्ट तरीके से, मतलब कि जब भी आप फोन को परचेज करते हो, ये फीचर टर्न ऑन आता है। सो हाँ, डेफिनेटली आप इस फीचर को टर्न ऑन ही रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, मतलब कि एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्राइटनेस को अपने आप ही एडजस्ट करेगा। बट फिर भी मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है आईफोन में ऑटो ब्राइटनेस का फीचर है कहाँ एंड काम किस तरीके से करता है। सो स्पेशली आईफोन 14 प्रो, 15 एंड 15 प्रो सीरीज में, मतलब कि जिनमें 2000 निट्स की ब्राइटनेस है, आप जैसे इसे बंद करते हो उसके बाद आपके हाथ में यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल तो आ ही जाता है ब्राइटनेस का। एंड जैसे यहाँ पे हम ब्राइटनेस को फुल करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्प्ले मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स ही प्रोड्यूस करेगी, 2000 निट्स नहीं जाएगी। एंड 2000 निट्स जाएगी तब जब हम इसे ऑन कर देंगे, जाएंगे आउटडोर्स में, मतलब कि एक्सट्रीम सनलाइट में। एंड इसी के साथ अगर आपको स्पेशली इंडोर्स में ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप इसको टर्न ऑफ करके रख सकते हो, क्योंकि अगर ये ऑन होगा तो ब्राइटनेस अपने आप ही अपने तरीके से एडजस्ट होती है। एंड उस केस में जो आईफोन है ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है बैटरी सेव करने के लिए। वहीं इसके बाद टच में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाते हैं, लाइक रीचेबिलिटी। अगर आप इसको टर्न ऑन रखते हो इसका मतलब आप जैसे ही इस तरीके से डिस्प्ले पर नीचे स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे बेटर रीचेबिलिटी मिल जाती है सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए, और इसको आप टर्न ऑफ कर दोगे
तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला फीचर काम नहीं करेगा। स्पेशली हैप्टिक टच में iOS 17 में यहाँ पे चेंज करा गया है, मतलब कि पहले दो ही ऑप्शन होते थे, आपको यहाँ पे एक फास्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप जैसे यहाँ पे टैप करोगे तो ये काफ़ी तेज़ हैप्टिक फीडबैक को परफॉर्म करता है। एंड पहले मैक्सिमम यही था जो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में मिलता है, इस तरीके से ही होता था। अब शेक टू अंडू का फीचर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन ही मिलता है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, जब ये टर्न ऑन होता है उस केस में आप अपने आईफोन को सिंपली शेक करके किसी भी चीज़ को अंडू कर सकते हो, मतलब कि टाइपिंग कर रहे हो या फिर कोई और चीज़। अब जैसे ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, एक्सीडेंटली यहाँ पे फ़ोन शेक करने के बाद अंडू हो रहा है तो उसको टर्न ऑफ कर सकते हो। एंड बेसिकली ये चीज़ आपके आईफोन की बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि यहाँ पे भी सेंसर्स हमेशा ही काम करते रहते हैं इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता जब आईफोन में फ़ोन कॉल को पावर बटन से एंड करना है या फिर नहीं, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। अब डिफॉल्ट तरीके से ऑप्शन ऑफ है, इसका मतलब कि आपकी जो फ़ोन कॉल है पावर बटन से कट हो जाएगी, बट अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो एंड पावर बटन से कॉल कट ना हो तो आप इसको सिंपली टर्न ऑन कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल। इसके बाद ये वाले दोनों फीचर भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। कॉल ऑडियो रूटिंग, इसका मतलब आप जब भी फ़ोन को पिक करते हो, मतलब कि नॉर्मल या फिर फेस टाइम कॉल, तो यहाँ पे जो आवाज़ है वो किस तरीके से आनी चाहिए। ऑटोमेटिक ब्लूटूथ हेडसेट या फिर स्पीकर, मतलब आप चाहते हो फ़ोन को पिक करने के बाद अपने आप ही हमेशा ही फ़ोन लाउड स्पीकर पे हो जाए तो आप इसको स्पीकर पे सेट कर सकते हो। या फिर ब्लूटूथ हेडसेट, मतलब कि आप चाहते हो फ़ोन को पिक करने के बाद अपने आप ही आवाज़ ब्लूटूथ हेडसेट में या फिर एक्सेसरी में जाए। इसके नीचे मिल जाता है ऑटो आंसर कॉल्स का ऑप्शन, मतलब सिंपली आप कॉल को ऑटो आंसर करना चाहते हो कितने सेकंड बाद, इसको सेट कर सकते हो। अब जो ये बैक टैप वाला फीचर है बहुत ज़्यादा काम का है, स्पेशली आईफोन्स में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, डबल टैप एंड ट्रिपल टैप। डबल टैप मतलब कि आपको सिंपली अपने आईफोन के पीछे दो बार टैप करना होगा एंड इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। लाइक इसको मैं सेट कर देता हूँ कैमरा पे, जैसे मैं फ़ोन के पीछे दो बार ये टैप करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा ओपन हो चुका है। तो इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक होम कर देंगे तो भी अपने आप ही होम पे चला जाएगा। एंड सिमिलरली आप ट्रिपल टैप पे भी यहाँ पे चीज़ को सेट कर सकते हो, मतलब कि डबल टैप में अलग चीज़ एंड ट्रिपल टैप में कोई अलग चीज़, ताकि आपको पहचान रहे। अब सिक्योरिटी के लिए इस चीज़ को ज़रूर कर लें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फेस आईडी एंड पासकोड का, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे अभी इस वाले आईफोन में फेस आईडी मैंने सेट नहीं कर रखी है, इसलिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। इन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लिख रखा है अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड, मतलब कि जब आपका आईफोन लॉक है तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आप किस किस चीज़ को एक्सेस देना चाहते हो। अब डिफॉल्ट तरीके से सभी चीज़ें टर्न ऑन होती हैं, बट आई रिकमेंड आपको सभी चीज़ों को टर्न ऑफ कर लेने चाहिए, या फिर स्पेशली कंट्रोल सेंटर को तो ऑफ कर ही दें। सो इसे ऑफ करने के बाद जब भी आपका आईफोन लॉक होगा उस टाइम पे कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं हो पाएगा, एंड फोन को अनलॉक करने के बाद ही कंट्रोल सेंटर एक्सेस हो पाएगा। देन इसके बाद बैटरी में स्पेशली आपको आईफोन 15 सीरीज में एक नया फीचर मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, 80% लिमिट या फिर नन। सो पहले ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग एंड नन का ऑप्शन होता था, यहाँ पे 80% लिमिट वाला ऑप्शन एक नया फीचर है। इसका मतलब सिंपल सा है, आपका आईफोन 80% तक ही चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होगा। अब आई सजेस्ट आप इसको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग पे रखिए, एंड जब भी आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर गर्म एनवायरमेंट में आपका फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, इन दैट केस आप यहाँ पे 80% लिमिट पे सेट कर सकते हो, मतलब कि आपका आईफोन अब 80% से ऊपर चार्ज ही नहीं होगा एंड अल्टीमेटली आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ वो प्रोटेक्ट होगी। एंड स्पेशली इसे नन पे मत करना, वैसे नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब कि नॉर्मल वेदर में जब ज़्यादा गर्मी नहीं है, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग इज बेस्ट। देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। पहले जाएंगे लोकेशन सर्विसेज में। सो अगर यहाँ पे आप चेक करें, ध्यान दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब कि कौन सी एप्लीकेशन लोकेशन सर्विसेज को हमेशा यूज़ कर रही है। एंड सिस्टम सर्विसेज में जाके यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो हियर यू कैन सी, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई पर्टिकुलर चीज़ों को टर्न ऑफ कर सकते हो। एंड एज ए लोकेशन सर्विसेज है तो स्पेशली आपके आईफोन की बैटरी लाइफ पे सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगी, मतलब कि ड्रेन कम होगा। अब बहुत बार हमें नहीं पता होता दैट फोटोज, ब्लूटूथ, लोकल नेटवर्क या फिर कैमरा, इन सभी चीज़ों को कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रही है, मतलब कि किस किस को फुल एक्सेस है। सो यहाँ पे मैं सिंपली फोटोज पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी एप्लीकेशन यूज कर रही हैं जिनको फुल एक्सेस है फोटोज एप्लीकेशन का। तो यहाँ से आप सिंपली फुल एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस या फिर नन उसको क्लिक कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी कोई एप्लीकेशन हमने यूज कर ली, फुल एक्सेस दे दिया बट हमेशा ही वो फुल एक्सेस कर रही है, तो बाद में जाके यहाँ पे इसको बंद कर सकते हो फॉर प्राइवेसी कंसर्न। एंड इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए भी कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रही है। सिमिलरली फॉर कैमरा, इतनी सारी एप्लीकेशन को कैमरा का एक्सेस मिल रखा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऐप स्टोर में। इन सभी सेटिंग्स को आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, बट स्पेशली दो सेटिंग्स बताना चाहूंगा। सेलुलर डेटा में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डाउनलोड्स। अब अगेन अगर आपका मोबाइल डेटा का लिमिटेड प्लान है
सो आप इसको टर्न ऑफ कर लीजिए। इसके बाद बेसिकली मोबाइल डेटा मतलब कि सेलुलर डेटा पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होंगी। एंड इनकेस अगर आप इसको टर्न ऑन भी रखना चाहते हो, यहाँ पे जो लिमिट है उसको जरूर चेक कर लेना। ऑलवेज अलाउ, आस्क इफ ओवर 200 MB या फिर ऑलवेज आस्क। ऑलवेज आस्क पे हमेशा ही आपसे पूछेगा मोबाइल डेटा पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या फिर नहीं। 200 MB से ऊपर है तब पूछेगा, ताकि ज्यादा मोबाइल डेटा यूज ना हो जाए। एंड ऑलवेज अलाउ पे तो पूछेगा नहीं, मोबाइल डेटा पे वाईफाई की तरह ही एप्लीकेशन डाउनलोड करता रहेगा। सो इनकेस अगर आप इसको टर्न ऑन रख भी रहे हो, आई रिकमेंड आप इसको आस्क इफ ओवर 200 MB कर लीजिए। बाकी तो ऑफ रखे तो ज्यादा बेटर ही है। इसी के साथ आपने नोटिस करा होगा, जैसे आप कोई नई एप्लीकेशन गेम को इंस्टॉल करते हो, सो रेटिंग एंड रिव्यू के लिए बार बार पॉपअप आता रहता है। सो उसे बंद करने के लिए आपको उसको सिंपली ऑफ कर देना है, एंड दैट्स इट। वैसे यहाँ पे जर्नल में जाके एक ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, एंड इसके अंदर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वाईफाई एंड सेलुलर डेटा, वाईफाई या फिर ऑफ। मतलब कि यहाँ पे आपके सभी एप्लीकेशन उनको बैकग्राउंड में रिफ्रेश करता रहता है। अब वाईफाई एंड सेलुलर डेटा होगा तो ऑब्वियसली अगर वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, सेलुलर डेटा पे ये चीज करेगा, उस केस में भी ज्यादा मोबाइल डेटा यूज होगा। तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज जरूर कर लेना। वैसे आई रिकमेंड आप इसको वाईफाई पे कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बहुत से लोगों का डाउट होता है दैट यहाँ पे जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है, ये बैटरी को ज्यादा ड्रेन करता है। सो हाँ, बैटरी को ड्रेन तो करता ही है, एंड इसे कम्प्लीटली ऑफ करने के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ पे थोड़ा बहुत फर्क दिख जाएगा। अब मैंने स्पेशली नोटिस करा है जो बड़े आईफोन से मतलब कि प्लस या फिर प्रो मैक्स कैटेगरी के, उन पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना छोटे आईफोन्स पे पड़ता है, जिनमें आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा है, टर्निंग ऑफ एप्स मे हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ। सो अगर आपको ऐसा लगता है आपके आईफोन की बैटरी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, आप इसको ऑफ करके ट्राई कर सकते हो आपकी बैटरी लाइफ में कितना फर्क आ रहा है। अब इसके बाद मैं कुछ कैमरा सेटिंग्स की भी बात करना चाहूंगा, मतलब कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट तरीके से चीज़ें आती हैं आप उसको किस तरीके से बदल सकते हो, एंड जरूरी है या फिर नहीं। सबसे पहले जाएंगे रिकॉर्ड वीडियो में। सो यहाँ पे आपको 1080p वीडियो डिफॉल्ट तरीके से मिलती है, तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप सेट कर सकते हो 4K 60fps, 30, 24। एंड इनकेस अगर इंडोर में शूट करते टाइम जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसकी वजह से फ्लिकरिंग आ रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा शो पैल फॉर्मेट्स पे, देन आप सेलेक्ट कर लीजिए 4K 25fps या फिर 1080p 25fps। अब ऑब्वियसली 25fps 60fps से कम है, स्मूथनेस कम होगी, बट ये एक ऑप्शन है फ्लिकरिंग को कम करने के लिए। बाकी एनहेंस स्टेबलाइजेशन, एक्शन मोड, लोअर लाइट, इन दोनों को ऑन रखें, अच्छी चीज है। इससे नॉर्मल एंड सिनेमेटिक वीडियो का स्टेबलाइजेशन स्लाइटली बेटर हो जाएगा, ऑल्दो ये थोड़ा सा जूम करेगा बट इतना भी ज्यादा जूम नहीं करता है, एंड अल्टीमेटली स्टेबलाइजेशन बेटर हो जाता है। इसी के साथ स्पेशली लोअर लाइट में जो एक्शन मोड होता है इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा नॉइज एंड ग्रेन्स आ जाते हैं, तो आप इसे टर्न ऑन करके रखें। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपका स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा बहुत हैम्पर करेगा, बट वीडियो ज़्यादा बेटर क्वालिटी की आएगी, ज़्यादा ब्राइट आएगी एंड कम नॉइज़ आएगी। एंड इसी तरह वीडियोस के लिए और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, HDR वीडियो, मतलब क्या आप वीडियोस को HDR में शूट करना चाहते हो या फिर नहीं। नेक्स्ट ऑटो FPS, मतलब कि लो लाइट कंडीशन में जो यहाँ पे वीडियो है उसके फ्रेम्स ऑटोमेटिकली चेंज हो या फिर ना हो ब्राइट फुटेज को प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये ऑफ पे है इसका मतलब कि अगर आप 4K 60fps में वीडियो को शूट कर रहे हो तो 4K 60 ही रहेगी। एंड अगर कर देते हो ऑटो 30fps, इसका मतलब कि 4K 30 या फिर 1080p 30fps वीडियोस में अगर ज्यादा अंधेरा है तो वो ऑटोमेटिकली 24fps तक चला जाएगा, ताकि ज्यादा बेटर वीडियो आए। एंड अगर कर देते हो ऑटो 30 एंड 60fps पे, इसका मतलब कि 4K 60 1080p 60, इसी के साथ 1080p 30, 4K 30 वीडियोस, इन सभी पे ये वाला फीचर काम करेगा। अब ये वाला फीचर जरूर से टर्न ऑन कर लेना, स्पेशली ये फीचर iOS 17 में आया है, विच इज लॉक वाइट बैलेंस। ये फीचर सच में बहुत ज्यादा काम का है, स्पेशली जो लोग आईफोन से वीडियोस को शूट करते हैं प्रोफेशनली इंडोर में या फिर स्टूडियो में, इसे जरूर टर्न ऑन कर लें। इसे ऑन करने के बाद आईफोन वीडियो के टाइम पे वाइट बैलेंस को स्विच नहीं करेगा, मतलब कि आपने नोटिस करा होगा जैसे हम किसी प्रोडक्ट की या फिर फोन की वीडियो को शूट करते हैं तो उसके डिस्प्ले के कलर या फिर वॉलपेपर उसके अकॉर्डिंग वीडियो का जो वाइट बैलेंस है चेंज होता है, मतलब कि रेडिश ग्रीनिश टेंट हो जाता है। ये बेसिकली उसी चीज को प्रिवेंट करता है। अब स्पेशली आईफोन 15 में फॉर्मेट्स में जाके फोटो मोड को कर लीजिए 24 मेगापिक्सल, वैसे डिफॉल्ट 24 MP पे ही आता है। ऐसा आपको पता ही होगा आईफोन 15 सीरीज प्राइमरी लेंस से फोटोज को 12 की जगह 24 मेगापिक्सल पे कैप्चर कर सकती है, इसे भी जरूर टर्न ऑन कर लीजिए, विच इज रेजोल्यूशन कंट्रोल। सो जब ये टर्न ऑन होता है यहाँ पे आपको राइट में कैमरा एप्लीकेशन में ऊपर एक ऑप्शन दिख जाता है मैक्सिमम क्वालिटी करने के लिए, तो आप इसको सिंपली सेट कर सकते हो हीफ या फिर जेपैग मैक्स मतलब कि 48 मेगापिक्सल, एंड इसे इस तरीके से क्रॉस कर दोगे तो नॉर्मली 24 मेगापिक्सल की फोटो कैप्चर होगी। एंड स्पेशली आईफोन 15 सीरीज में मेक श्योर पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड, ये वाला फीचर भी टर्न ऑन है। एज नॉर्मल फोटो को कैप्चर करते हुए भी आईफोन 15 सीरीज डेप्थ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करती है, एंड आप बाद में उसको पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये वाला फीचर इसी से ही आता है।
अब गाइस अगर आप चाहते हो मैं स्पेशली कैमरा सेटिंग्स के रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।